नमस्ते, मैं श्री आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द मल्टी श्री में। आशा करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ मुझे इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए। इसी तरह से अपना सपोर्ट और प्यार बरकरार रखिएगा। आज का जो डिश है वो है मिष्टी दोई। आप सभी को पता ही होगा कि गर्मी के सीज़न में दही शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, इसीलिए हम घर में इजीली विदाउट आर्टिफिशियल कलर और एसेंस के आज मिष्टी दोई बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं आज का रेसिपी। अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया आज हम लोग बनाएंगे मिष्टी दोई, तो चलिए देख लेते हैं उसका रेसिपी। मैंने एक बॉल लिया हुआ है, उसके ऊपर मैंने एक छन्नी रखा हुआ है और उसके ऊपर एक साफ कपड़ा। अब हम डालेंगे 2 कप जितना दही। अब हम इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे या बांध लेंगे और इसको एटलीस्ट 1 घंटे के लिए इस तरह से रहने देंगे ताकि कर्ड में से जो दही है उससे सारा पानी निकल जाए और हमें हमारा हम कर्ड मिल जाए। जब तक हमारा हम कर्ड बन रहा है हम यहाँ पे 4.5 कप दूध को उबालेंगे अच्छी तरह से और उसको 4.5 कप से 3.5 कप तक घटा लेंगे। इसमें अब हम डालेंगे 4 से 5 इलायची के दाने ताकि हमारा जो मिष्टी दोई है वो इलायची फ्लेवर का बने। अगर आपको पसंद है इलायची फ्लेवर तो आप डालिए, नहीं तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इस दूध को अच्छी तरह से उबालेंगे और इसे 3.5 कप तक घटा लेंगे। देखिए दूध उबल कर घट चुका है। हमारे घर में सारे इलायची फ्लेवर वाला मिष्टी दोई पसंद करते हैं, इसलिए मैं इलायची फ्लेवर वाला बना रही हूँ। देखिए दूध उबल चुका है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर की ओर। नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए हमने एक कढ़ाई लिया हुआ है। इस प्रोसीजर में हम दूध को कैरामलाइज करेंगे, तो उसके लिए हम पहले लेंगे 1/3 कप चीनी। आप चीनी आपके स्वाद के अनुसार यूज़ कीजिए। मिष्टी दोई का जो कैरामलाइज कलर होता है वो इसी तरह से लाया जाता है, तो ये प्रोसीजर इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसे कैरामलाइज करने के लिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अगर छोटा दाना वाला चीनी हो तो थोड़ा सा कम पानी डालिए और अगर बड़ा दाना वाला चीनी हो तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालिए ताकि वो जल्दी से पिघल जाए। देखिए थोड़ा सा पानी देने की वजह से चीनी कितनी अच्छी तरह से पिघल गया है और एकदम से कैरामलाइज कलर होने लगा है। देखिए चीनी पूरी तरह से कैरामलाइज हो गया है। अब इस स्टेज में थोड़ी देर के लिए आप गैस ऑफ कर लीजिए या एकदम धीमी आँच पर, और फिर यहाँ पे एक हाथ से आप चलाते रहिए और दूसरे हाथ से हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 कप जितना दूध। हम यहाँ पे 1 कप जितना दूध यूज़ करेंगे जो हमने पहले से उबाल कर रखा हुआ है। देखिए दूध डालते ही ये किस तरह से उभरने लग रहा है, इसीलिए इस स्टेज पे हम गैस ऑफ कर लेंगे या एकदम से धीमी आँच पर बराबर रेगुलरली हाथ चलाते हुए इस प्रोसीजर को हमें बनाना है। अगर आप थोड़ी देर के लिए गैस ऑफ कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी इस प्रोसीजर को करने के लिए। तो देखिए दूध अच्छी तरह से चीनी के साथ मिल रहा है। अगर आप धीमी आंच पे कर रहे हैं तो ध्यान में रखिए जैसे दूध जो है वो निकल कर बाहर ना आ जाए। गैस फिर से ऑन कर लेंगे और एकदम धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए इसे उबालेंगे। अब हम जो बचा हुआ उबला हुआ दूध है उसे इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से उबाल लेंगे। इतना अच्छा कलर आया हुआ है, एकदम नेचुरल कलर है, तो हमारा कैरमल मिल्क रेडी है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर की ओर चलते हैं। देखिए दही में से कितना सारा पानी निकल गया है, इसका मतलब हमारा जो हंकड़ है वो रेडी है। देखिए ये परफेक्टली हंकर बन चुका है। अब हम इसे एक बॉल में लेंगे और इसे अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। क्रीमी सा टेक्सचर बन गया है। अब हम हमारे कैरामलाइज्ड मिल्क को धीरे धीरे करके इसमें मिलाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, जब हम कैरामलाइज्ड मिल्क दही में मिलाएंगे तब हमारा कैरामलाइज्ड मिल्क जो है वो ल्यूकवार्म होना चाहिए, एकदम से ठंडा नहीं होना चाहिए ताकि हमारा जो दही है वो अच्छी तरह से जम सके।
देखिए दही के साथ सारे कैरामलाइज मिल्क को हमने मिला लिया है, कैसा क्रीमी सा टेक्सचर बन गया है इसमें। आप कंसिस्टेंसी का ध्यान रखिए, यहाँ पे इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे एक मिट्टी का हांडी लिया हुआ है, आप कोई भी पतीला या बर्तन यूज़ कर सकते हैं जिसमें दही जम सके। मिट्टी के हांडी में दही जमाने से एक ट्रेडिशनल सी खुशबू आती है जो बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम हमारे मिक्सचर को इसमें पोर करेंगे। अब हम एक फॉयल पेपर की मदद से इसको अच्छी तरह से बंद कर देंगे एयर टाइट करके, और फिर इसको एक वार्म प्लेस पे एटलीस्ट 6 से 7 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। देखिए 7 घंटा हो गया है, अब हम इसे खोलकर देखेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी दही जो है वो सेट हो गई है और कितनी अच्छी दिख रही है, एकदम परफेक्ट दुकान जैसी मिष्टी दोई तैयार है। देखेंगे दही कैसा बना है। देखिए एकदम परफेक्ट दही रेडी है। इसी तरह के यमी टेस्टी मिष्टी दोई के लिए मेरा रेसिपी फॉलो करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कैसा लगा मेरा रेसिपी आपको।